यहाँ पर देख के हमने गलती की है, उसको जरा सुधार लें। हेलो, जी ये देखें, ये दो फंक्शन है, ये एक फंक्शन नहीं है। अच्छा बता रही समझ में? जी यहां पर फंक्शन दो है, तो काम तो हमने तकरीबन सही किया था, लेकिन हमने जो ये काम दिया था, यहाँ पर कब दो है, तो यहाँ पर ये केस होगा। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा तो इस कर्व का यूज करेंगे, और इसका एरिया फाइंड करना होगा तो इस कर्व का यूज करेंगे। मतलब ये हुआ कि मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पर नेगेटिव पाई बाय फोर से जीरो तक इस कर्व का यूज करूंगा, मतलब टू माइनस सिकेंड स्क्वेयर टी डी टी ये करूंगा तो ये एरिया आएगा, प्लस अब यही जीरो से पाई बाय फोर स्क्वेयर, सॉरी स्क्वेयर टू नहीं बल्कि टू माइनस, अब मैं फंक्शन ये यूज करूंगा वन माइनस टी स्क्वेयर डी टी। बात आ रही समझ में? क्योंकि ये कर्व दो थी, हमने इसको एक कंसीडर किया, तो मैंने जब यहाँ पे मेरे जेहन में आई कि वन माइनस एक्स स्क्वायर का अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो इस तरह से होता है जी, तो ये क्या मसला है। तो मैं जब वापस आके मैं इसको देखता हूँ तो ये दूसरा फंक्शन है, ये और फंक्शन, तो इसके लिए हम ये यहाँ से टू माइनस सिकेंड स्क्वायर करेंगे, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए हम टू माइनस यही वन माइनस टी स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है जी, अब हम वापस नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है जी, सब्स्टिट्यूशन याद है पहले जैसे हम करते रहे एफएससी में? जी तो क्या करते थे हम, किसी खास टर्म को किसी नए वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करवाते थे, ऐसा ही जी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि पहले तो आपको ये कह रहे हैं कि भाई इसको सब्सिट्यूशन लेके सॉल्व करके दिखाओ इसकी इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो dx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा अगर u हमारा 2x प्लस 4 है तो du क्या आएगा? अच्छा, हमने जब बात कर रहे थे मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर थ्री में, चैप्टर नंबर थ्री की ना, तो हमने देखा था कि हम dy बाय dx को तोड़ सकते हैं, मतलब dy विच इज इक्वल टू dx इस तरह से हम लिख सकते हैं। 3.8 एक्सरसाइज थी, 3.9 थी जी, किसी को याद है? इस तरह से हमने कहा था कि हम इन जनरल तो कर नहीं सकते, लेकिन स्पेसिफिक केस में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, याद है कि नहीं याद? ठीक है ना, याद है भाई? जी याद है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी यू बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू
टू। सो अगर हम उसको मेथड का यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं डी यू विच इज इक्वल टू टू डी एक्स। क्या कहते हो? सो डी एक्स किसके इक्वल आएगा? डी यू बाई टू विच इज इक्वल टू डी एक्स। सब वैल्यूज हैं हमारे पास, हम पुट करने लगे हैं, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं पूरे को यू की पावर फाइव इंटीग्रल टू यू की पावर फाइव और डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है डी यू बाई टू। क्या कहते हो कि हम कर सकते हैं? जी। तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रल यू की पावर फाइव डी यू, सही है? टू टू से कट जाएगा। सर ये फोर किधर चला गया? सर ये समझ नहीं आ रही है आपकी राइटिंग, पता नहीं आप कैसे लिख रहे हैं। फोर की बात, किस फोर की बात कर रहे हो आप? ये क्वेश्चन में फोर है, ये किधर गया? सर ये आप कैसे लिख रहे हैं समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही जी, जैसा लिखते हैं कि आपको समझ में आए बात। इसने असल में 3.11 जो हमने की थी वो नहीं की, इसलिए इसे समझ नहीं आ रही। सबसे पहले तो हमने ये U आपको दिया जी, U U का विद रिस्पेक्ट टू X डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये डी यू बाई डी एक्स आएगा। अच्छा, क्योंकि वेरिएबल चेंज है जिसके रिस्पेक्ट से आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ये वेरिएबल दूसरा है, तो डी यू बाई डी एक्स आएगा। टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? टू। फोर का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो। ठीक है, जीरो। तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू टू। हम जब चैप्टर नंबर थ्री के लास्ट में थे तो हमने कहा था कि इन जनरल हम डेरिवेटिव को तोड़ नहीं सकते, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक केसेस में हमने कहा था कि हम इसको। ये बस समझ नहीं आ रही कि डी एक्स और डी यू कौन कौन से, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, बाकी तो समझ आ ही गया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं असल में ये डी एक्स। अच्छा, ठीक है, और ये आपका यू है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा अच्छा ये हो गया। हमने वहां पे बात की थी कि हम अगर इनको दो अलहदा अलहदा टर्म्स माने तो फिर हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? सो हमने इनको अलहदा टर्म्स माना तो डी एक्स इधर हमने शिफ्ट कर दिया, तो डी यू विच इज इक्वल टू टू डी एक्स। अच्छा, तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी है डी एक्स की। अच्छा, तो डी एक्स की वैल्यू निकाली जो कि बनी बेसिकली डी यू बाई टू विच इज इक्वल टू डी एक्स। अच्छा, अब ये टर्म है टू एक्स प्लस फोर होल की ताकत, यहाँ होल की पावर फाइव समझ सकते हो, तो ये सारी टर्म किसके इक्वल है? यू के इक्वल। जी, अगर ये सारी टर्म यू के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल यू U की पावर फाइव। और ये डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है क्या? डी यू बाई टू। डी यू बाई टू हम ये लिख सकते हैं जी, टू टू से कैंसल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा इंटीग्रल U की पावर फाइव डी यू जी। इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो U की पावर सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C जी। तो U की वैल्यू रखी क्या थी हमने? 2x प्लस 4। तो 2x प्लस 4 पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C, सो ये आपका रिजल्ट होगा। बस यही काम है। अच्छा, फॉर डी यू और डी एक्स समझ नहीं आ रहा था। अब कौन सा क्वेश्चन किया जाए? ये वाली पैंट और ये।
क्या किए जी u5 जहां पर u5 du यहां से आगे समझ नहीं आया सिंपल u की इंटीग्रेशन भाई x x की इंटीग्रेशन क्या होती है x स्क्वायर बाय 2 पावर रूल होता है ना x की पावर n dx हो तो क्या करते हैं x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 करते हैं जी तो u की पावर 5 तो चलो आप ये चाह रहे हो तो भाई ये लिख देते हैं अब ठीक है u की वैल्यू वापस रख दी है जो हमने स्टार्ट से चूज की हुई है 2x plus 4 और पावर ये 5 plus 1 6 तो ये भी 6 तो 2x plus 4 पावर 6 डिवाइड बाय 6 और प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन c ठीक है और ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन c क्या होता है अगर आपको याद हो तो जब हमने रीमान साहब को इंटीग्रेशन वाले सिंबल में चेंज किया था तो उसमें सुमेशन को हमने इस में कन्वर्ट किया था तो उसमें हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट की तरफ थे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं था तो वो जो एरर थी वो एरर सी के लिए होती है अच्छा ये सी एरर की शो करता है अच्छा अब ठीक है 2 बजे अब इनमें से कोई क्वेश्चन किया जाए या कर लोगे चलो कर ये कर लेंगे सर क्वेश्चन नंबर 7 करवाएं 7 क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा नहीं बोलते क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है यहाँ पर आपको u कह रहे हैं कि भाई u which is equal to 3x तो du by dx क्या आएगा 3 ऐसा ही है जी so du which is equal to 3dx सही है अच्छा जी so dx which is equal to du by 3 जी अब इस इंटीग्रेशन में सारी सब्स्टिट्यूशन करें तो sin 3x u का इक्वल है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं sin u जी dx की वैल्यू है du by 3 जी ठीक है तो अगर हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाएं तो 1 ओवर 3 इंटीग्रल बाय राधे sin u du क्या कहते हैं sin की इंटीग्रेशन क्या होती है cos माइनस cos तो ये आ जाएगा बेसिकली 1 ओवर 3 माइनस माइनस में यहां लिख रहा हूं cos माइनस u प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन c तो u किसके इक्वल था 3x तो cos 3x प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन c तो इस केस में आपका ये रिजल्ट होगा जी किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं अब कौन सा किया जाए 10th बाकी से भी पूछ लो बाकी कहें कि भाई नहीं तो फिर पूछ ले सर अमना से और अमना आयशा आप बता दें बीच में पीछे क्वेश्चन रह गया तो वो बता दें चलो टेंथ तो करने वाले हैं अच्छा यू दिया है आपको यू बाय डी एक्स क्या आएगा साइन डी बाय टू वन इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो सो नहीं लिखेंगे कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मैंने नहीं लिखा कोई इशू है नहीं ये डी यू बाय डी टी है टी 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 ठीक है टी कर दें अच्छा टी हो गया ये अच्छा सो
टी बाई टू फर्दर एंगल, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो क्या आएगा, वन ओवर टू। जी तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर वही जो पहले कर रहे थे, टू जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख सकता हूं मैं टू डी यू बाय साइन साइन टी डी टी। ये साइन टी बाय टू भी है जी, जी। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जी, किसी को कोई इश्यू है इससे? नहीं। तो ये खड़ा है ना साइन टी बाय टू डी टी जी, मतलब इसकी जगह पे डी टू डी यू लिख सकते हैं जी, ये वन माइनस कॉस टी टू बाय टी सॉरी टू, तो इसकी जगह पे यू लिख सकते हैं जी। तो इसका मतलब इन जनरल अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं यू की पावर टू टू डी यू, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जी? इंटीग्रेशन क्या आएगी, इंटीग्रेशन टू बाय और यू पावर थ्री बाय थ्री प्लस सी। तो यू किसके इक्वल था? वन माइनस कॉस टी टू बाय वन माइनस कॉस कॉस टी बाय टू जी प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन सी। सो ये आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा अब कौन सा गियर सर, पूछ ले इनसे आमना से वाइशा से, बताएं भाई। इनमें से देख ले, इलेवन जी इलेवन करवा दे। इलेवन का डेरिवेटिव लेना सबसे पहले तो डी यू बाई डी आर क्या आएगा? नेगेटिव थ्री आर स्क्वायर, कुछ ऐसा ही जी। अब टी यू विच इज इक्वल टू माइनस थ्री आर स्क्वायर डी आर, ऐसा ही है। तो दो रास्ते हैं, या तो चलो कर ही लें, यहां पे क्या आप लिख सकते हो डी यू डिवाइडेड बाय नेगेटिव थ्री विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी आर, ये आर स्क्वायर डी आर खड़ा है ना, इसीलिए बाकी टर्म को मैं इधर लेके आ गया। हालांकि मैं थ्री को भी उधर रख सकता सर, सिर्फ नेगेटिव को इधर लेके आ जाता तब भी कोई इशू नहीं था, लेकिन इसके साथ नाइन था तो फिर इशू होना था, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? कि भाई जस्ट आप इसको थ्री भी यही रहने दें और नेगेटिव इधर शिफ्ट कर दें, बता रही समझ में जी, ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये थ्री क्रॉस थ्री या थ्री एक रह जाएगा, ऐसा ही है ना, कि आप इसको लिख सकते हो थ्री क्रॉस थ्री, थ्री क्रॉस थ्री आर स्क्वायर डी आर लिख सकते हो जी। थ्री आर स्क्वायर डी आर किसके इक्वल है? नेगेटिव डी यू के, और एक थ्री खड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस तरह से लिख सकते हो नेगेटिव थ्री डी यू, क्या कहते हो, ऐसा लिख सकते हैं जी। ठीक है, और नीचे वाली टर्म जो है, नीचे वाली टर्म आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट यू, किसी को कोई इशू है इससे? नहीं। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं u की पावर नेगेटिव वन ओवर टू बी यू जी,
इंटीग्रेशन बाय पावर रूल लगाएंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव थ्री यू की पावर नेगेटिव वन ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाय यू सॉरी नेगेटिव वन ओवर टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कि हम ऐसा लिख सकते हैं जी, तो ये नेगेटिव वन बाय टू प्लस वन बनेगा कितना, वन बाय टू मतलब स्क्वायर रूट यू जी, और ये बेसिकली वन बाय टू प्लस सी। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं नेगेटिव का सिक्स स्क्वायर रूट यू की वैल्यू लिख दूं, क्या रखा था यू हमने, वन माइनस आर क्यूब जी, वन माइनस आर क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये वन ओवर टू डिवीजन में फिर डिवीजन है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये नेगेटिव का सिक्स बन जाएगा जी। किसी को कोई इशू है इससे भाई? नहीं। आयशा अमना कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को भाई? नहीं नहीं सर। अच्छा अब कौन सा किया जाए सर, सर इनसे पूछ लें आप कौन सा करना है, देख लें इनमें से कोई करना है तो ठीक है तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। 12 13 14 में से कोई करना है या कर लोगे? कोई बता सकता है इसका डेरिवेटिव, नेगेटिव वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर नहीं भाई, एक्स स्क्वायर आएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगी। कैसे इसको लिख सकते हैं, एक्स की पावर नेगेटिव वन, पावर रूल लगाएंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव दो नेगेटिव होगा ना, क्या कहते हो? तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर नेगेटिव के साथ, तो इसको नीचे करेंगे तो वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या ख्याल है? तो डेरिवेटिव आपका ये आ गया, ऐसा ही है? तो क्या आएगा ये ओवरऑल अगर हम इन जनरल बात करें तो, जी इसका क्या आएगा भाई, क्या इसको देखो जरा, क्या ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, ये डी यू विच इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा ही है। ये देखें खड़ा है दोनों, वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स खड़ा है ना, क्या ख्याल है जी? तो है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस इन दोनों टर्म को डी यू का इक्वल रख देंगे। अच्छा, और ये अगर हम इंटीग्रल इंटीग्रल की बात करें, अच्छा एक गलती मुझे लग रही है वो ये है कि ये हमें नेगेटिव वन ओवर एक्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव उन्होंने नहीं दिया, क्या ख्याल है जी? तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी वन ओवर एक्स की, नेगेटिव यू
जी ऐसा ही है ना, क्योंकि ये तो वन ओवर एक्स है, ये वाली टर्म तो वन ओवर एक्स है, तो ये नेगेटिव यू का इक्वल हो जाएगी ना जी, विच इज इक्वल टू वन ओवर एक्स। तो इंटीग्रेट करो जरा इसको, ये आ जाएगा बेसिकली कॉज नेगेटिव यू, ऐसा ही है ना जी, डी यू। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, जी कॉस नेगेटिव यू का इसका इंटीग्रेशन क्या है सर? ये आपने क्वेश्चन जो किया है 14 वाला, ये शुरू से दिखा दें एक दफा, वो मैंने नोट नहीं किया। 14 वाला यही किया है बस जी, ये इसे बस थोड़ा सा मैं नोट कर दूं, माइनस एक्स हो गया सर। अच्छा, सो एक बार मुझे ये क्रॉस चेक कर लें कि क्वेश्चन यही है या क्वेश्चन में नेगेटिव यहाँ पे है या नहीं है, ये कंफर्म कर लो। मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो दिया है यू, एक बार चेक कर लें यार, क्वेश्चन में कॉस के एंगल में नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव वन ओवर एक्स के वन ओवर एक्स नहीं है, सिर्फ एक्स वन ओवर एक्स है। ठीक है, चलो अब तो फिर कॉस की इंटीग्रेशन क्या आती है? तो फिर यहाँ पर एक और केस आता है, फिर अगर ये यू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एक नेगेटिव और लगानी पड़ेगी। कॉस के फंक्शन को देखे तो कॉस यू को बाहर निकालेगा नहीं। सॉल्यूशन में चेक करो जरा किस तरह का सीन उन्होंने करने की कोशिश की है। अगर वैसे देखें तो कॉस का इसको बाहर नहीं निकालेगा, तो सिंपल अगर इसकी इंटीग्रेशन कर दें, उन्होंने इसकी इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रल कॉस यू डी यू इसकी इंटीग्रेशन की है उन्होंने, चेक करो जरा। कॉस स्क्वायर माइनस यू डी यू लिखा है, वो स्क्वायर तो आएगा ना, स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर माइनस यू डी यू जी, इंटीग्रेशन क्या लिखी हुई उन्होंने इंटीग्रेशन निकालने के बाद? u by 2 plus 1 by 4 sin 2u, x में नहीं लिखा हुआ आंसर? नहीं, मतलब किसी को भी x में करने की जरूरत नहीं है सर। आप लास्ट आंसर पूछ रहे हैं? आप लास्ट आंसर उन्होंने क्या बताया हुआ? लास्ट आंसर की बात कर रहा हूँ, इसका चार्जर उधर ही पड़ा है लैपटॉप का, वो उसके अंदर है। या तो इसके ऊपर देखो या अलमारी के अंदर। अच्छा देखिए, निकालते हैं फिर देखा जाएगा क्या सीन बनता है। ये कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है। हमारा कमरा है ना उधर देखो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है जी, क्या होती है? सॉरी सर, वो भाई लैपटॉप का चार्जर मांग रहा था जी। कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है यू बाय टू कॉस, कॉस ना कॉस स्क्वायर की होती है, ना साइन स्क्वायर की होती है, ना टाइम टेन स्क्वायर की होती है। स्क्वायर वाले दो फंक्शन है जिनकी इंटीग्रेशन होती है, और वो है सीकेंट या फिर कोसीकेंट। अच्छा, इनको कन्वर्ट किया जाता है जिसकी आसानी से इंटीग्रेशन ली जाए, या अगर अगर इसका फर्दर डेरिवेटिव कॉस तो खड़ा है, तो फिर इस पे कॉस स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, कॉस की कुछ भी पावर हो, तो तब उस पे पावर वो लगा सकते हैं। बात आ रही समझ में?
कॉस का फंक्शन हो, साइन का हो, या टाइम का हो, टेन का हो, अगर हम किसी की भी बात करें, अगर उसका फर्दर डेरिवेटिव, मतलब जिस तरह से कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, अगर ये साइन साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर अकेला कॉस है या उसकी कुछ भी पावर है तो आप उसको इस फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में। यू ही लिखा है ना? हाँ यू ही है, ये फोर लग रहा था। चलो तो फिर तो ये कांस्टेंट हो जाना था, कॉस फोर हो जाए तो फिर तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। वही मैं सोच रही थी। अच्छा जी, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा जिसको हम कहते हैं वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, व्हिच इज इक्वल टू बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका अगर हम यूज करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू यू डिवाइडेड बाय टू डी यू, क्या कहते हैं जी? तो इसकी इंटीग्रेशन क्या, आप वन ओवर टू को बाहर निकाल दो आप, तो इसकी इंटीग्रेशन हमने पहले भी कहाँ पे कहें कहीं पे की है, कहाँ पे की है? चलो वन ओवर टू डी यू, ऐसा ही है ना, यू जी इंटीग्रेशन डी यू टू, ये पता चाहिए डी यू प्लस इंटीग्रल, और ये आपका आ जाएगा बेसिकली cos 2 du cos 2 u to u। तो इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगी? इसकी आएगी u प्लस u माइनस sin 2 u sin 2 u। अच्छा माइनस sin 2 u माइनस साइन टू यू क्यों आएगा? माइनस क्यों आएगा? हाँ वो सच, सॉरी इंटीग्रल लेना, साइन टू यू प्लस साइन टू यू, ये आ जाएगा साइन टू यू डिवाइड और फर्दर टू यू का प्लस फर्दर डेरिवेटिव साथ में नहीं है सो डिवाइड कर देंगे जी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप बताओ उन्होंने क्या आंसर लिखा हुआ है? माइनस वन बाय टू एक्स, ठीक है, माइनस वन बाय फोर साइन टू बाय एक्स, माइनस वन बाय फोर साइन और ब्रैकेट में टू बाय एक्स प्लस सी, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है आप ये कह रहे हो? सर यू में तो पुट करें ना वैल्यू फिर बताएं। यू में तो वैल्यूज पुट हो जाएंगी, वही नेगेटिव का इशू आना है और तो कोई नहीं आना, ये आ जाएगा नेगेटिव वन ओवर एक्स, और ये आ जाएगा पॉजिटिव, और ये आ जाएगा साइन नेगेटिव टू बाय एक्स जी डिवाइडेड बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा ही। अच्छा एक बार फिर से ज्वाइन करें जरा। अच्छा